हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। सो आज का हॉल जो है मीशो ब्लाउज हॉल होने वाला है। सो जितना भी सारा कलेक्शन है, मैंने सारा का सारा ब्लाउज मतलब मीशो से मंगवाया हुआ है और ढेर सारे ब्लाउज मंगवाए हुए हैं। सो सबका रिव्यू करेंगे, साथ में जितना भी कलेक्शन मंगवाया हुआ है वो सारा इस हिसाब से मंगवाया है, मतलब वेडिंग पर्पज है। फेस्टिवल बहुत सारे आ रहे हैं, साथ में वेडिंग जो है अब स्टार्ट होने वाली है। सो उस पर्पज से सारा कलेक्शन पूरा मेरा है ब्लाउज का, ब्लाउज जो है सारे आए हुए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो वॉच देखिएगा जरूर। और मैं आते हैं अपने फर्स्ट ब्लाउज की तरफ। सो फर्स्ट ब्लाउज जो है वो ये है, लुक एट दिस ब्लाउज। मतलब इसमें काफी सारे और कलर मिल जाएंगे, पर मैंने ब्लैक मंगवाया हुआ है क्योंकि ब्लैक जो है बहुत सारी साड़ियों में चल जाता है। आप इस पे गोल्डन मंगा सकते हो, रेड मंगा सकते हो, मरून मंगा सकते हो। सो बहुत सारी साड़ियों में आपका चला जाएगा। सो ये रहा इसका कपड़ा जो है, नेट में दिया हुआ है पूरा सीक्वेंस वर्क, सीक्वेंस और धागे का पूरे में वर्क दिया हुआ है। ये देखिए बहुत ही सुंदर सा वर्क दिया हुआ, बहुत ही सेटल सा वर्क दिया हुआ। ऐसा नहीं है कि कहीं से निकला सा वर्क है या फिर अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही हाई क्वालिटी में वर्क दिया हुआ है इसकी। देखिए बहुत ही, और ये इस तरह से पफ स्लीव्स आएंगी, यहाँ नीचे ये बॉर्डर दिया हुआ है। स्लीव्स में असल लाइनिंग नहीं लगाई हुई है, बाकी फ्रंट और बैक में लाइनिंग लगाई हुई है। और इसकी सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि फ्रंट में जो हुक है जो फ्रंट में मिल जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये इस तरह से चाहिए होता है कि फ्रंट में मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहे। इसमें फ्रंट में हुक मिलेंगे। अगर लेंथ की बात करें तो करीब इसकी लेंथ जो है 15-15.5 इंच आएगी। लेंथ काफी अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी सी लेंथ दी हुई है। ज्यादातर रेडीमेड में क्या होता है, लेंथ छोटी होती है तो फिर उससे दिक्कत होती है। ये रहा इसका बैक का नेक। बैक का नेक ये देखिए इस तरह से शोल्डर बनाए हुए हैं, इस तरह से डीप नेक में दिया हुआ है। तो बैक का नेक जो है बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर सा आएगा, एकदम डिजाइनर लुक आएगा इस ब्लाउज को। बहुत सारी साड़ियों के साथ आपको जाएगा, बहुत सारे आप मिक्स एंड मैच पहन सकते हो। साथ ही में आप अगर इसको चाहो तो मतलब इस तरह से जो वर्क इसका दिया हुआ है काफी हैवी सा वर्क दिया हुआ है, तो आप इसको लहंगे वहंगे के साथ भी पहन सकते हो, आराम से जाएगा। ये रहा फर्स्ट ब्लाउज मेरा। इसके सारे जो साइज जो है सारे ब्लाउजों का वो स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ये मैंने 40 नंबर मंगवाया। और साथ ही में अगर आप 40 से ऊपर हो, आप एक्सल पहनते हो तो उसके लिए भी है। ये देखिए इतना ढेर सारा मार्जिन दिया हुआ, करीब 1.5 इंच का एक तरफ, 1.5 इंच का दूसरी तरफ, दोनों तरफ 1.5-1.5 इंच का मार्जिन दिया हुआ है। आप इसको आराम से एक लाइन सीधी सी लगानी होती है, सिलाई लगा लीजिए और लूज भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड जो ब्लाउज होने वाला है वो अगेन नेक में, नेक मतलब लाइनिंग नहीं लगाई हुई है, सो ट्रांसपेरेंट है। इधर आएगा इस स्लीव्स जो है ट्रांसपेरेंट आएंगी। ये फ्रंट का नेक आएगा इसका, इस ये बैक से ओपन होता है। ये बैक नेक आएगा, ये बैक से ओपन होगा और बैक का नेक ऐसे इस तरह से मटके शेप में डबल उस पे दिया हुआ है। इस तरह से डोरी इसमें लगाई हुई है, डोरी थोड़ी सी मोटी मोटी सी लगाई हुई है, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं या फिर यही चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अगर कपड़े की क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छा कपड़ा दिया हुआ नेट का, एकदम मतलब हाई क्वालिटी में इसका भी अगेन कपड़ा जो है वो दिया हुआ है, कहीं भी कुछ चुभता नहीं है। इसको 40 में मंगाया हुआ है और ये मैं एल साइज के कपड़े पहनती हूँ तो 40 में मंगाया, ये मुझे परफेक्ट आया है। ये 386 में लगभग प्राइस दोनों का ही सेम है। दोनों का ही प्राइस लगभग सेम आएगा, बट दोनों की क्वालिटी वाकई में बिल्कुल बहुत अच्छी आई हुई है, एकदम हाई क्वालिटी में दिया हुआ है। नेट का जो कपड़ा है बहुत अच्छा दिया हुआ है। ये रहा मेरा सेकंड ब्लाउज, ग्रे कलर में है, बहुत सारी साड़ियों के साथ आपका जाएगा और ये लहंगे वगैरह के साथ भी बहुत से अच्छे से जाएगा, तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लाउज जरूर बताइएगा। ब्लैक और ग्रे हो गया, बारी है येलो कलर की। आप अगर मीशो चलाते हैं तो मीशो में ये ब्लाउज जरूर आपने देखा होगा। ये कॉटन में आएगा,
ये कॉटन का कपड़ा है, इस तरह से इसमें डिजाइन बनी हुई है कॉटन में, थ्रेड से ये होल करके थ्रेड से डिजाइन बनाया हुआ है, पफ स्लीव्स बनाया हुआ है, इधर नीचे ये बॉर्डर दिया हुआ है, इस जगह पे इनर नहीं, लाइनिंग नहीं लगाई हुई है। नेक की फ्रंट से ओपन आएगा, पफ लगाए हुए हैं, आप चाहे तो इसको रिमूव कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है इस पे। ये रहा इसका, और बैक इसका एकदम छोटा सा नेक आएगा। सो आप साड़ियां ज्यादा पहनते हो आने जाने में किसी के यहाँ, या फिर साड़ियां जो है ज्यादा यूज करते हो, तो इस हिसाब से आप ये ब्लाउज ले सकते हो, एकदम परफेक्ट है। कॉटन का कपड़ा है तो बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता है। मैंने जब इसको ट्रायल किया तो बहुत कंफर्टेबल लगा मुझे ये। सो आपको लॉन्ग टाइम के लिए पहनना है, मतलब पूरा डे जो है साड़ी पहनना है, ब्लाउज पहनना हो, चाहते हो कि कुछ कंफर्टेबल सा पहने या फिर कंफर्टेबल ऐड करें अपने कलेक्शन में, तो आप ये ब्लाउज जो है ले सकते हो, परफेक्ट रहेगा आपके लिए। कलर एकदम येलो सा है, बिल्कुल जैसा दिख रहा था ना, बिल्कुल ये इस समय जैसे कलर दिख रहा है बिल्कुल वही कलर आया हुआ है। सो ये कैसा लगा आपको येलो में पीस है। सो नेक्स्ट येलो, सोचा पहले येलो येलो कलर मैचिंग का दिखा देती हूँ, बट ये देखिए, ये भी आपने मीशो में जरूर देखा होगा। सो ये इसमें स्लीव्स जो हैं वो अंदर मिल जाएंगी, इसमें चिकन वर्क दिया हुआ है, सीक्वेंस का धागा और सीक्वेंस वर्क दिया हुआ है, सीक्वेंस जो लगाए हुए हैं एकदम ट्रांसपेरेंट से हैं, जो शाइनिंग आ रही है, सो उस जो हल्की हल्की सी शाइनिंग आ रही है ना, ये और भी अच्छा लग रहा है लुक, एकदम सेटल सा पीस आ रहा है, वर्क जो है एकदम सेटल सा वर्क आ रहा है। नीचे ये पोटली बटन लगाई हुई है, थोड़ी थोड़ी सी काफी काफी दूर में ऐसे ये पोटली बटन लगाई हुई है, सो ये लुक अच्छा लगता है पोटली बटन का। वी नेक इसमें फ्रंट में तो हल्का सा बोट नेक मिल जाएगा, बैक में वी नेक मिलेगा, बैक से ओपन मिलेगा, डोरी मिल जाएगी, स्लीव्स मिल जाएगा, अंदर लगा हुआ है स्लीव्स, शॉर्ट स्लीव्स लगी हुई है। सो ये रही शॉर्ट स्लीव्स, बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं है और एकदम से शॉर्ट भी नहीं है, बट ठीक ठाक दी हुई है, आई थिंक 3-4 इंच की दी हुई है, 3-4 इंच की स्लीव्स दी हुई है। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन बहुत अच्छा खासा सा मार्जिन दिया हुआ है, अगेन 1.5-1.5 इंच का दोनों तरफ मार्जिन दिया हुआ है, तो आप आराम से इसको अल्टर करवा सकते हैं अगर आपको साइज में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम लगता है। सो ये मैंने मंगवाया हुआ है 40 नंबर, अगेन 40 साइज, जो मुझे सबसे बड़ा साइज मिला मैंने वही सब में मंगवाया हुआ, जो उसमें साइड में जो सबसे सेलर के पास सबसे बड़ा साइज अवेलेबल था मैंने वही मंगवाया। सो ये 40 साइज है और ये मुझे पड़ा 440 में। सो आपको 440 में पहनने पे लुक एकदम जो है डिजाइनर पीस है, तो ऑफकोर्स लुक बहुत अच्छा आने वाला है। सो ये इसका साइज में मुझे परफेक्ट साइज आया, 40 साइज मुझे एल, मतलब एल साइज के, मैं जो कुर्ती वगैरह मंगवाती हूँ, कुर्ती टॉप वो एल साइज में मंगवाती हूँ, और ये ब्लाउज जो सारे मंगवाए हुए हैं मैंने वो 40 साइज में मंगवाए हुए हैं, सारे नहीं मतलब मैं स्क्रीन पे सारे साइज जो है मेंशन करती जाऊंगी, तो ये मैंने 40 में मंगवाए और ये मुझे एकदम परफेक्ट फिटिंग आई हुई है। तो ये रहा ब्लू कलर पे ब्लाउज, ब्लाउज बोल लीजिए इसको, क्रॉप टॉप बोल लीजिए, आप जैसे भी इसको यूज करना चाहते हैं। सो नेक ऐसे रफल्स बनाए हुए हैं पूरे फ्रंट और बैक में, नेक में स्लीव्स में ऐसे रफल्स बनाए हुए हैं, इसमें स्लीव्स नहीं मिलेगा फ्रंट में, ये लेंथ इसकी ठीक ठाक दी हुई है, साइड में इसमें जिप दिया हुआ है, ये साइड में इधर से जिप दी हुई है, आराम से पहनने में अच्छे से ये पड़ा है, 38 साइज 300 में पड़ा है। मुझे यहां से तो एकदम सही आया, परफेक्ट आया, बट यहाँ बस्ट एरिया से मुझे थोड़ा सा टाइट हो रहा था। इसमें मार्जिन की बात करें तो मार्जिन इसमें भी दिया हुआ है 1-1 इंच दोनों तरफ से, बट इसमें एक ये है कि ये देखिए सिलाई में इसमें इंटरलॉक नहीं कराया हुआ है, सो ये थोड़ा सा अंदर से वो अंदर रहने वाला है, आप खुद से कर लीजिएगा या तो ऐसे सिलाई, बट फिर भी इंटरलॉक करके देना चाहिए था। इसके पफ जो है बिल्कुल बेकार हैं, ये आपको निकालने पड़ेंगे, वैसे भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसका नेक जो है फ्रंट बैक एकदम नेक जो है बहुत ही हाई दिया हुआ है, हाई नेक में दिया हुआ है, तो उसकी जरूरत नहीं है। सो आप अगर ये लेते हैं तो ये आप रिमूव कर सकते हैं, आसानी से रिमूव कर सकते हैं, एक बस टक लगा होता है अंदर, ये आप सिलाई खोलेंगे इसकी आराम से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये रहा मेरा ब्लू कलर का ब्लाउज, ब्लू। सो
ये मैंने अपनी मम्मी के हिसाब से मंगाया हुआ है। ये मुझे साइज जो है मैंने शायद 40 या 42 मंगवाया हुआ है। ये स्लीव्स से मुझे बहुत ज्यादा लूज आ रहा था, 42 मंगवाया हुआ है। और ये डिजाइन जो है इस तरह से स्लीव्स में इस तरह से डिजाइन दी हुई है। इसमें काफी सारे कलर मिल जाएंगे आपको, जो कलर चाहिए आप मंगवा लीजिए। फ्रंट से ओपन है ये है, और बैक, ये बैक आएगा, बैक में डोरी लगाई हुई है, डोरी अच्छी सी लगाई हुई है, और ये लटकन लगाया हुआ है इस तरह से, बैक ऐसे आएगा। पाइपिंग लगा के चारों तरफ पाइपिंग लगा के दिया हुआ है, नेक वगैरह पे पाइपिंग अच्छे से लगाया हुआ है। फ्रंट ओपन है, ज्यादा नेक जो है डिसेंट सा नेक दिया हुआ है, बहुत डीप भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं नेक दिया हुआ है। इसमें बहुत सारे कलर मिलेंगे। कपड़े की क्वालिटी की बात करें तो कपड़ा जो है बहुत अच्छा दिया हुआ है। सिल्क जैकार्ड सिल्क का जो कपड़ा होता है, बहुत सारी साड़ियों के साथ हमेशा इस तरह का कपड़ा जो हैवी मिलता है, इसी तरह का कपड़ा मिलता है, वैसे ही ये कपड़ा दिया हुआ है। अगर आप इसको थोड़ा सा इनहेंस करना चाहते हो तो यहाँ पे बीड्स लगा सकते हो, मोती सिंगल सिंगल मोती ऐसे लगा लीजिए, बहुत अच्छा डिजाइन आ जाएगा। क्योंकि ये कम प्राइस में बहुत अच्छा, मतलब डिजाइन भी अच्छा दिया हुआ है, थोड़ा सा सिंपल है बस ये है। अगर आप इसको थोड़ा सा इनहेंस करना चाहते हो तो एक जो सिंगाड़े वाली लेस आती है आप वो लगा सकते हो, बीड्स लगा सकते हो, जैसे भी आप थोड़ा बहुत करना चाहते हो आराम से कर सकते हो। प्लेन ब्लाउज है और कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है, सिलाई वगैरह बहुत अच्छे से दी हुई है, फिटिंग वगैरह बहुत अच्छे से आने वाली है मुझे। मैंने बड़ा साइज मंगवाया हुआ है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ये लूज आ रहा है, बाकी सिलाई वगैरह बहुत अच्छे से दिया हुआ है, अभी अच्छा खासा सा दिया हुआ है ये। तो बहुत सारे ब्लाउज हैं इसलिए थोड़ा सा वीडियो जो है मेरा लंबा हो जाएगा, बट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप थोड़ा सा, ये रहा ब्लैक ब्लाउज लाइक्रा में, बहुत सारे इस तरह के ब्लाउज जो हैं आपने देखे होंगे इस समय पड़े रहते हैं लाइक्रा पे। सो ये एक क्रॉप टॉप की तरह काम कर सकता है, आपका कंफर्टेबल बहुत ज्यादा होते हैं इस तरह के ब्लाउज। आप सफर कर रहे हो, साड़ी पहननी है आपको तो उस टाइम पे इस तरह का ब्लाउज पहन सकते हो, आपको फुल डे पहनना है तो पहन सकते हो, साथ ही में अच्छा भी लगता है। मतलब पहले जो आते थे लाइक्रा के वो प्लेन ब्लाउज आते थे तो वो कम अच्छे लगते थे, बट अभी डिजाइन वगैरह देने लगे हैं। तो ये जो सीक्वेंस ऐसे स्टिक वाले जो सीक्वेंस होते हैं हल्के तरह से ये लगाया हुआ है, ये डिजाइन बनाया हुआ है फ्रंट और बैक में, और ये रफल्स लगाई हुई है स्लीव्स में, ये नेक बनाया हुआ है इस तरह से फ्रंट और बैक, ये बैक आएगा, बैक में इस तरह से डिजाइन दी हुई है, फ्रंट जो है प्लेन दिया हुआ है। ये मैंने साइज मंगवाया था एल, इसमें साइज मेंशन है एक्सएल, बट ये मुझे फिर भी नहीं आया, मतलब मैंने इसको पहनने का ट्राई भी नहीं किया क्योंकि मैं कर भी नहीं सकती थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेचबल नहीं है, नॉर्मल है। ये आपको स्मॉल साइज वालों को आएगा, मतलब 42 भी जो आया हुआ है ये देखिए, एक्सएल भी जो आया हुआ है, और एक्सएल में ये स्मॉल साइज वालों को आने वाला है। इस सेलर के पास ऐसा है, आई डोंट नो कि सारे सेलर के पास इसी तरह का मतलब साइज इश्यूज है या नहीं, तो मैं इस सेलर का नंबर दे, मतलब जो कोड दे दूंगी, बट साइज इशू ये बहुत बड़ी बात है इतना कि मतलब एक्सएल में आपको स्मॉल साइज वालों को आएगा। सो थोड़ा बहुत फर्क होता है तो समझ में भी आता है। इसमें मैंने एक रेड भी मंगवाया था, उसकी डिजाइन डिफरेंट थी बट वो अभी आया नहीं है। सो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में उसको ऐड कर दूंगी, साथ में मैंने दूसरे सेलर से मंगवाया हुआ था तो मैं वो देखूंगी कि उसका साइज कैसा आता है। इसका साइज ये मैंने पहले मंगवाया था, मतलब मेरे ये ब्लाउज आपने इस तरह से देखा होगा तो आपको लगा होगा कि सिल्क में जो कपड़ा आता है उस तरह से, ये धागे में जो सिल्क की साड़ियां आती हैं उस तरह से कपड़ा होगा, तो वैसा नहीं है बिल्कुल भी। फोटो में जो दिखता है कि लगता है हाई क्वालिटी में है बट वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्वालिटी इसकी काफी लो है, ऐसा पहन सकते हो ले सकते हो, बहुत ज्यादा चीप नहीं लग रहा है बट ठीक ठाक है, मीडियम लगा मुझे। ये डिजाइनर ब्लाउज है तो ये फॉइल मिरर का वर्क मिलेगा, काम वर्क मिलेगा पूरे में, फ्रंट बैक स्लीव सब जगह फॉइल मिरर सेम वर्क मिलेगा, इस तरह से क्वार्टर स्लीव्स में आएंगी लॉन्ग स्लीव्स में। फ्रंट ओपन है तो फ्रंट काफी सारे मैंने इस बार फ्रंट ओपन ब्लाउज जो है ऐड करे हुए हैं उन लोगों के लिए जो फ्रंट ओपन बहुत पसंद करते हैं। बैक में काफी डीप सन नेक दिया हुआ है तो अच्छा लग रहा है, नेक वगैरह बहुत अच्छा लग रहा है, करीब 1.5 इंच का इस तरफ 1.5 इंच का इस तरफ दिया हुआ, थोड़ा थोड़ा सा मुझे टाइट आया, हल्का सा बिल्कुल आ रहा था, तो अगर मुझे मतलब रखना हो तो मैं इसको दोनों तरफ से जो है
कटर करवा लूं तो आराम से आएगा, बट मुझे ये ब्लाउज मतलब कलर अगर आप इसमें से मंगवाते हो, वर्क बहुत अच्छा है, जॉर्जेट में दिया हुआ है, कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट ये पिंक कलर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पिंक कलर मत मंगवाइएगा। उसका रीजन है क्योंकि ये ऊपर का जो है वो लाइट पिंक दिया हुआ है, अंदर अस्तर दिया हुआ है, ये देखिए ये बहुत ज्यादा डार्क पिंक दिया हुआ है, इसकी वजह से ये सिलाई में ऊपर अंदर का जो कपड़ा है ये हल्का सा ये देखिए सी थ्रू हो रहा है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। मे भी ये लाइट कलर की वजह से है, बाकी कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, एकदम डिजाइनर पीस लग रहा है, बहुत सारी साड़ियों में आपके जाने वाला है ये। इस तरह से जो मिरर वर्क वाले ब्लाउज होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, डिजाइनर पीस लगते हैं, अलग से दिखते हैं, आप किसी भी हल्की साड़ी में आपको डालना है, प्लेन साड़ी है, प्रिंटेड साड़ी है, उस तरह से हल्की साड़ी है, बॉर्डर वाली साड़ी है, तो उस तरह में की साड़ियों में आराम से जाएगा, हैवी ब्लाउज उस तरह की साड़ियों में जो है बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये रहा ब्लाउज, मैं इसमें सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा डार्क कलर लीजिए, रेड वेड जो कलर है इसमें, ब्लैक है, रेड है, मरून है, उस तरह के कलर एड करिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा ये ब्लाउज। सो मैं इसको रिटर्न करके दूसरा कलर इसका मंगवाने वाली हूँ। तो ये रहा लास्ट बचा हुआ है ये रेड कलर का ब्लाउज, एकदम डिजाइनर पीस लग रहा है, इस तरह से इसमें नेट की स्लीव्स दी हुई है, स्लीव्स में अंदर से ये नेट का वो लगाया हुआ ताकि फ्लेयर अच्छे से आए, एकदम भर भर के फ्लेयर आए स्लीव्स में इस तरह से, ये देखिए ये नेट लगाया हुआ है इधर ऊपर, इसमें लाइनिंग नहीं लगाई हुई है, नीचे लगा हुआ है, तो ये सिल्क में कपड़ा आएगा, ये देखिए कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, स्टोन हल्का सा लगाया हुआ है इसकी वजह से थोड़ा सा हैवी भी लग रहा है, बाकी आपकी ये किसी भी साड़ी में जाएगा, इस तरह से नेक दिया हुआ है, डोरी लगी हुई है, बैक ओपन है, कपड़े की क्वालिटी अगेन बहुत अच्छी आई हुई है। अगर मार्जिन की बात करें तो करीब 1 इंच का मार्जिन दोनों साइड दिया हुआ है, तो आपको अगर थोड़ा सा साइज इधर उधर होता है तो आप आराम से कर सकते हो, बैक ओपन है ये। तो ये रहा मेरा लास्ट ब्लाउज, सो एक लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और इस तरह के आपको ब्लाउज कलेक्शन और देखने हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं और बहुत सारे ब्लाउज जो है मंगवाने वाली हूँ और देखने के लिए मिलने वाले हैं, सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, ओके बाय 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 बाय।